इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दाता अंतर जामी तू वड़दाता अंतर जामी सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण तेरे गुण गावा मेरे प्रभु प्रीतम नाम अदारा मेरे प्रभु प्रीतम नाम अदारा हौ सुन जीवा नाम तुम्हारा हौ सुन जीवा नाम तुम्हारा हौ सुन जीवा सुन जीवा नाम तुम्हारा कर कृपा तेरे गुण गावा 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 वाहिगुरु Thank you.
चक्र मारी। संतन सो बोले उपकारी, मूर्ख सो बोले चखमारी। संतन सो बोले उपकारी, बोले उपकारी। जावा मगारी सारी सानी सदानी पमानी सारी गारी सानी सदानी रे सा पमा पदा धानी पदा पगारी धा पगारी नी दसा। संतन सो बोले उपकारी, मूर्ख सो बोले चखमारी। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। बड़ा ही शिक्षा देने वाला शब्द है ये, एक एक पंक्ति में बहुत ही कीमती शिक्षा छिपी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रकरण चल रहा है, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार, मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह समझा रहे हैं हम सबको कि जबान के चुप कर जाने से मन चुप नहीं करता, और बात तो तब बनेगी जब मन चुप कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग मौन धारण कर लेते हैं हमेशा के लिए चुप कर जाते हैं, उनका मन चुप नहीं करता। जब वो लिखकर बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं, तो मन भीतर से बोलता है तब लिखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में कबीर जी बड़ी ही गहरी शिक्षा दे रहे हैं, जिसे गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाणित कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, कितना प्यारा सवाल है कि मैं कैसे बोल बोलूं, किस प्रकार बोलूं, कितना बोलूं कि मेरा मन राम नाम से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे राम नाम रव रही है कि मैं बात भी कर रहा हूं पर मेरी लिव ना टूटे, ऐसे कैसे बोलूं, क्या तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बोलना क्या कहिए, मैं किस प्रकार बोलूं, कितना बोलूं, किससे बोलूं कि मेरा मन राम के नाम से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल का शब्द है और कमाल की शिक्षा है। एक एक पंक्ति में बहुत ही कीमती शिक्षा, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो जो इतने दिनों से हम सुन रहे हैं वो सार्थक हो जाएगा। भाव सुरत जुड़ जाएगी, नाम से जुड़ी रहेगी, टूटेगी नहीं। अगर हमने इन शब्दों पर पहरा दे दिया, इन शिक्षाओं पर जो कबीर जी हमें देने जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए। बाबा
संत मस्त कर रही है। से बोलिए धन गुरु नाम, धन गुरु नाम, धन गुरु नाम। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने कीमती शिक्षा है बताया है, ज्ञान दे दिया एक ही पंक्ति में कि संतों के साथ रहते कैसे हैं। कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई नाम जपने वाला मिल जाए तो क्या करना है। संत मिले बड़े ध्यान से सुनना है, किछ सुनिए कहिए। संत मिले किछ सुनिए, पहले सुनना है बाद में बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब किसी संत महापुरुष से मिलते हैं बोलना शुरू कर देते हैं, अपना ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, कबीर जी कहते हैं जब कोई नाम जपने वाला कोई संत कोई महापुरुष मिले उनसे सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप रहे वहां पर, बहुत सावधानी से बोल वहां पर, पहले सुन ज्ञान ले। सारे जीवन का सार होता है उनके पास, सारे जीवन की कमाई करके फिर वो बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई संत मिले कोई नाम जपने वाला मिले कोई साधु मिले तो पहले सुन फिर बोल, जब वो बोले बोलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए फिर कहिए। महापुरुषों के साथ वाणी हम अरदास में कहते हैं ना, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। कोई गुरु का प्यारा मिल जाए तो उससे गुरु की बातें सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किछ सुनिए फिर कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। संत मिलेगा सुनेगा तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा तुझे। पर अगर कोई असंत मिले, असंत यहाँ पर उल्टे को कहा है, साकत पुरुष को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदक को बाबा नंद सिंह जी अरदास में कहा करते थे ना, किसे डिग्गे निंदक दी संगत ना दे पाछा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है संत, एक होता है नॉर्मल आदमी, एक होता है अब नॉर्मल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नॉर्मल आदमी की बात की है यहाँ पर, जो आम आदमी नहीं है जबकि भटका हुआ है दूसरों को भी भटकाता है, असंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, साकत पुरुष, चुप कर जा बोल ही मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी एक एक पॉइंट पे शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कीमती शिक्षा है ये। साकत पुरुष दिखाई दे जाए, पता है गलत बात ही करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा ही सुनाएगा, मन खराब ही करेगा, पाप ही हो जाएंगे इसके साथ खड़े रह के, चुप कर जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी चुप करने के लिए कह रहे हैं, एक जगह पर तो कबीर जी कह रहे हैं इसे देख के। देखिए कबीर जी, भगत कबीर जी का जीवन देखिए, हाथी के आगे डाल दिया नहीं डरे, पहाड़ से फेंक दिया नहीं डरे, मारने की कोशिश हर प्रकार से की गई, संगल बांधकर नदी में फेंक दिया गया, गंगा में, नहीं डरे। पर कबीर जी एक आदमी से डरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते मैं एक आदमी से डरता हूँ बहुत, कौन, श्रवण कीजिए। साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग, दूरों जाइए भाग, दूरों
जाइए भाग। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कबीर जी जो मौत से नहीं डरते, वो कहते हैं साकत पुरुष से मुझे डर लगता है, अगर वो दिख जाए तो चुप ही मत कर जा, भाग जा उसे देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे कोई साकत कोई निंदक दिखाई दे जाता है जो गुरु से तोड़ेगा ही, श्रद्धा को ठेस ही पहुंचाएगा, उसे देखकर मैं भाग जाता हूँ। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं एक तरफ पागल हाथी आ रहा हो, एक तरफ साकत पुरुष आ रहा हो। कहते किससे बचना है, कहने लगे साकत पुरुष से बच जा, हाथी की तरफ हो जा शायद बच जाए, पागल हाथी की तरफ हो जाओ वो शायद तुझे ना मारे, पर साकत पुरुष से अगर तू मिल गया तुझे मारेगा ही मारेगा, भाव तेरे मन को चोट पहुंचा कर ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों, अगर इन बातों पर पहरा नहीं दिया तो क्या होगा, जो राम नाम से लिव जुड़ी है वो टूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी घाल ना घालनी पड़ती है लिव जोड़ने के लिए, कितनी घाल ना विरले किसी की जुड़ती है, और साकत पुरुष अगर उसे भी मिल जाए उसकी लिव भी तोड़ कर रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले असंत मस्त कर रही है, अपनी मस्ती में रह चुप कर जा, बोल ही मत उसके साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत मिले किच सुनिए कहिए, मिले संत मस्त कर रही है, से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी है समझनी, आज की यंग जनरेशन को, सबके लिए ही जरूरी है, पर बार बार दास यंग जनरेशन इसीलिए कहता है कि इनके पास अभी समय है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अगर इन्हें सही ज्ञान मिल गया तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा समाज सुधर सकता है अगर ये लोग सुधर जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे मित्रों को भी देखा है, ये कहते हुए सुनते हुए कि हम नहीं पीते पर पीने वाले के साथ बैठते हैं, हम नहीं खाते पर खाने वाले के साथ बैठते हैं, हम जुआ नहीं खेलते पर साथ में बैठते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पर असर नहीं होता। यहाँ पर बात चल रही है साकत पुरुष की, मेले असंत मस्त कर रही है। कबीर जी कह रहे हैं जिसके बारे में, कबीर जी की अवस्था क्या है, एक मिक हो चुके हैं परमेश्वर से, वो कह रहे हैं कि मैं साकत पुरुष को देखकर डर के भाग जाता हूँ। हम कबीर जी से तो बड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये सोचते हैं कि शराबी के साथ बैठूंगा शराब नहीं पीऊंगा, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। एक दिन आएगा पीना शुरू कर देगा, क्योंकि संगत का असर होता ही होता है। वाणी पुकार पुकार के कहती है, जैसी संगत वैसी रंगत, ये होना ही है। आज तुझ पर असर नहीं है, एक दिन हो जाएगा, कल हो जाएगा। जुआरियों के साथ बैठेगा जुआ खेलने लग जाएगा ऑटोमेटिक, सत्संगत में आके बैठेगा अपने आप नाम जपना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक, जैसी संगत वैसी रंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम पर असर नहीं होता, हर एक पर होता है। अगर कबीर जी पर हो सकता है तो हमारी तो औकात ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कबीर श्रवण कीजिए। चंदन का बिरवा पला बेड़े ओ टाक पलाश, होए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास।
कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी उदाहरण दे रहे चंदन के बूटे का, छोटा सा बूटा होता है चंदन का, उसके आसपास ऐसी हरियाली होती है, इस प्रकार के बूटे होते हैं जो किसी काम के नहीं आते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग उन्हें अगर कहीं खेतों में लग जाए तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं कि किसी काम के नहीं है बूटे, पर चंदन के पास है। कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ियों टाक पलास, घेर कर बैठे ऐसे बूटे जो किसी काम के नहीं। कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास, पर उनकी भी कीमत पड़ जाती है क्योंकि वो चंदन के पास है। क्योंकि चंदन की एक खासियत है, आसपास के जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो उसे भी चंदन बना देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन पेड़ पौधों में भी चंदन की खुशबू चली जाती है, उनकी भी कीमत पड़ जाती है चंदन के जैसी, उतनी ही खुशबू उनमें आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो बाजार में चंदन मिलता है ना, ये सब वही होता है जो असली चंदन होता है, पेड़ छोटा, उसकी तो कीमत ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बेशकीमती है। कबीर जी कहते हैं इसी प्रकार तेरी कोई कीमत नहीं है, पर अगर तू संतों की संगत करेगा, नाम जपने वालों की संगत करेगा, तेरी भी कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वालों के पास बैठेगा, तेरे भीतर भी नाम की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी अपने आप, जिस प्रकार से उन बूटों में आनी शुरू हो जाती है जो किसी काम के नहीं। हम भी किसी काम के नहीं, पर अगर किसी संत की, किसी महापुरुष की संगत हो गई तो हमारी भी कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी समझा रहे हैं संतों के संगत के बारे में। संत मिले किसी सुनिए कहिए, पर आगे क्या कह रहे हैं, मिले असंत मस्त कर रही। अब यहाँ पर कबीर जी एक दूसरा पहलू ले रहे हैं। कबीर जी कहते हैं ठीक है, चंदन का बिरवा पला, चंदन की संगत भली, और चंदन के पास भी एक होता है जिसके भीतर चंदन की खुशबू नहीं जाती, चंदन के पास रह कर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसा मत बन जाना साकत पुरुष, जिसे कहा कि देखकर भाग जब मिले असंत मस्त कर रही है। एक है कबीर जी कहते हैं जो चंदन के पास रहकर भी चाहे एकदम पास हो, खाली का खाली रह जाता है, कौन? श्रवण कीजिए। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, क्यों मत डूबो कोए, बांस बढ़ाई बूढ़िया, क्यों मत डूबो कोए, चंदन के निकट बसे बांस सुगंध न हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं साकत पुरुष वो है चंदन के पास रहकर भी उसमें चंदन की सुगंध नहीं जाती, केवल एक है, वो है बांस। बांस का उदाहरण दिया है, अगर बांस चंदन के पास भी लगा हो उसमें चंदन की खुशबू नहीं जाती। और क्यों नहीं जाती? कबीर जी कहते हैं उसमें पांच दोष हैं, जो साकत पुरुष में भी हैं। पांच दोष, ध्यान देना यहाँ पर, जब साकत पुरुष की बात हो तो किसी का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए, अपने बारे में सोचना है हमने कि हम साकत तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें अपने आप को गिनना है साकत में, अपने आप को संतों में नहीं गिनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अपने आप को चेक करने की निशानी है, अगर ये सुनते ही किसी का विचार आ रहा है तो मानो अभी तक विनम्रता नहीं आई, सुनकर अपना विचार आ रहा है कि यह अवगुण मुझ में है, ये विनम्रता की निशानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा जीवन ना जीना जैसे बांस का, जिसमें पांच दोष है।
संत मिले है, किसी सुनी है, कही है, मिले असंत मस्त कर रही है। ये जीवन का बहुत विशेष पहलू है। असंत मिल गया, तोड़ने वाला मिल गया, निंदक मिल गया, क्योंकि निंदा करनी और सुननी एक समान है, उसका फल एक समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन के निकटे बसे बास सुगंध न होए, क्या दोष है पांच? सबसे पहला अहंकार। बांस में दोष है, उसमें अहंकार है कि मैं लंबा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बांस का उदाहरण देके हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे भीतर भी अहंकार होता है ना कि मैं बड़ा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा उसमें गांठे हैं। गांठे कौन सी? गांठ दूसरों में दोष देखने की गांठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा कराने की गांठ, निंदा करने की गांठ, ये सारी जितने भी बुराइयां हैं वो बांस में गांठे हैं। इन गांठों की वजह से वो चंदन की सुगंध को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दोस्त तीसरी बात मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको डिटेल में लेने गया तो इसी में प्रकरण पूरा हो जाएगा। शॉर्ट में लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रकरण है बाबा बोलना क्या कहिए, कैसे बोलूं, किससे बोलूं, कितना बोलूं, जिससे मेरी सुरती राम नाम से जुड़ी रहे, नाम से जुड़ी रहे, चाहे मैं काम कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लिव मेरी जुड़ी रहे। तो कबीर जी समझा रहे तू ये कर, तुझे ये अवस्था मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली शर्त क्या रखी? संत मिले, संतों की संगत कर, उनसे सुन, उनसे ज्ञान ले। दूसरा असंत मिले, चुप कर जा मत उनसे, क्यों? तीसरी बात, क्योंकि बांस खाली है भीतर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ से फूंक मारो, दूसरी तरफ से फूंक बाहर निकल जाती है। भाव वो ज्ञान लेता तो जरूर है, सुन रहे संतों के पास रहकर, चंदन के पास खड़ा है बांस, संतों की संगत करते हैं, कई दास ने पहले भी कहा था, दास ने देखे है, साथ में रहकर भी खाली रह जाते हैं, क्यों? सुन रहे हैं एक कान से, दूसरे कान से बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मध्य प्रदेश की राजधानी है उज्जैन, नहीं शहर है, राजधानी नहीं पता मुझे, मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन। वहां की घटना बड़ी प्यारी, संत कालिदास जी के समय की बात यहां पर याद आ गई बीच में। महान संत हुए कालिदास जी, राजा विक्रमा के दरबार में, राजा विक्रमा के दरबार में एक मूर्तिकार तीन मूर्तियां लेकर आया और आकर दरबार में रख दी, क्योंकि उज्जैन का वो जो विक्रमा राजा था उसके मशहूर था कि उसके राज्य में, उसके दीवान में बड़े ही महाज्ञानी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी ज्ञानी था और उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था, तो बड़े बड़े महाज्ञानी को दरबार में रखा हुआ था, ज्ञान चर्चा होती थी। एक मूर्तिकार अपनी तीन मूर्तियां लेकर आया, जो तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं उन तीनों में, पर वो कहने लगा कि तीनों की कीमत अलग अलग है। अब कोई ज्ञानी मुझे बताए कि इन तीनों में अंतर क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बेश कीमती है, एक की थोड़ी कीमत है और एक बिल्कुल एक टके की भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि देखने में सेम है, पत्थर सेम इस्तेमाल हुआ है, मूर्ति करने घड़ी एकदम सेम, तो फिर कीमत में फर्क क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वहां पर महान संत कालिदास जी आते हैं दरबार में, देखते हैं कि बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही है, शोर मचा हुआ है, पूछते हैं क्या हुआ। तो जब उन्हें बताया गई बात तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्होंने एक तीला मंगवाया, तीला पतला सा होता है ना, झाड़ू का तीला, एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे इसे उठा के बाहर फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, वो मुंह से बाहर निकला, कहने लगे इसे थोड़ा साइड में रख दो, इसकी फिर भी कुछ कीमत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब तीसरी मूर्ति में कान में जब तीला डाला तो वो अंदर समा गया। बंतर इस प्रकार की थी कि तीला अंदर ही समा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कालिदास जी कहने की इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बेशकीमती है। राजा विक्रमा देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत कालिदास जी ने समझाया, जो ये बात भगत कबीर जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि बांस में पांच दोष है, तीसरा क्या, अंदर से खाली है, एक तरफ से फूक मारते दूसरी तरफ से निकल जाता है। संत कालिदास जी कहने लगे ये तीन मूर्तियां तीन स्रोतों की मूर्तियां हैं जो सत्संग करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान चर्चा करती है, सत्संग करती है, और तीनों में भेद है, इनमें हम शामिल हैं सात संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो ऐसे सत्संगी है, एक मूर्ति ऐसे सत्संगी की है जो कान से ज्ञान सुनता है, एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनता जरूर है पर चलना तो दूर, उसे अंदर तक नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे आकर भी खाली रह जाते हैं। दूसरी मूर्ति तीला कान में डाला, मुख से बाहर निकला, कहने की इसकी थोड़ी कीमत है, क्योंकि सुन रहा है। चाहे सुने इसलिए रहा है कि दूसरों को जाके बोलकर इम्प्रेशन डालेगा, अपना प्रभाव बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ज्ञानी कहलवाने के लिए ये सुन रहा है, इसके मन में भीतर ख्याल ये है कि लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरी जगह से सुनता है यहाँ पर आकर बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है, इसने सुन के याद तो रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को सुना रहे, हो सकता है वहां से कोई उपदेश ले ले, चाहे अपनी बड़ाई के लिए ही सुना रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तीसरा जिसे कान में तीला डाला, जिस मूर्ति के, वो तीला अंदर ही समा गया। कहने लगे ये महाज्ञानी ब्रह्म स्रोता है जो सारा ज्ञान अर्जित कर रहा है पर चुप करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बहुत कम बोलता है, ज्ञान इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरों को सुनाना है, इसलिए ले रहा है कि उस पर चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कीमती बात है सत्संग जी। संत कालिदास जी ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान अर्जित करने का भाव ही वो है। और गुरु नानक पातशाह तो यहाँ तक कहते हैं ज्ञान है ही वो जितने पर आप चलते हो, बाकी सारी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सिर्फ जानकारी है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिस पर इंसान खुद चलता है उतना ही उसका ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर से खाली है बांस, इस प्रकार से हम भी अंदर से अगर खाली हैं तो हम भी साकतों की गिनती में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दोष बांस के भीतर के, चंदन के पास रहकर भी उसमें सुगंधित नहीं आती, सुगंधि नहीं आती, कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है क्या, बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है,
बाबा बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी
जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरी आँखिया दे तारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरी आँखियाँ दे तारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे पढ़िए माता देवी तू छोड़ना देवी तू छोड़ना चरणा नल लाया ही दाता देवी भी छोड़ना देवी भी छोड़ना पढ़िए माँ दाता देवी तू छोड़ना देवी तू छोड़ना चरणा नल लाया ही दाता देवी भी छोड़ना देवी भी छोड़ना जदोदा साधनू जाने आ रंग माने आ दुख मिट गए ने सारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरी आँखिया दे तारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर रे चढ़िया सरूर रे कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर तेरा ही नूर अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर रे चढ़िया सरूर रे कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर तेरा ही नूर करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे मैं ते बस हूँ जी रहा एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरी आँखिया दे तारे मैं ते बस हूँ जी रहा तेरे
सहार मैं ते बस हूं जी रैया तेरे सहार। झुकावा मैं तेरे हजूर नानक ऐसी से झुकावा मैं तेरे हजूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक अमृत वेले विच तेरा जाप उचारा मैं तेरे नाम दी मस्ती विच ते जीवन गुजारा मैं इस अमृत सरोवर विच फिर टुबिया मारा मैं जो मंत्र बख्शिया है वो दिल विच धारा मैं तेरे नाम दी मैं पीवा ते चढ़े सरूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। अमृत बाणी विच फिर मन नू लावा मैं ए बाणी पढ़ के ते विच संगत जावा मैं सत संगत जाके ते जस सुना ते गावा मैं फिर तूड़ गुर सिखा दी मत्थे ते लावा मैं मैनू हर थां दिसदा रहे तेरा ही नूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। या गुरबाणी दी मेरे दिल विच वस जाए ए तीर अणया लाए जो दिल विच तस जाए कई पुलिया पटकिया नू ए रस्ता दस जाए किसे साध दी रसना विच ए बाणी रस जाए मैं पानी टोवा बन उसदा मजदूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक। पिन्नी रैंदड़िए ओ चमकन तारे जो ए जागन संत जना मेरे राम प्यारे जो इना चंद दिया रिश्मा विच तेरे करण दीदारे जो मैनू ओना दा संग बख्शो हन तेरे सवारे जो ओना विच वसदा है तेरा ही जरूर नानक बन जाए जिंदगी दा
रखे दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक कोलों ले सिखिया ए जीवन बनावा मैं तस्वीर तेरी हर दम विच दिल दे वसावा मैं तेरे गीत भी प्यारा दे हर दम ही गावा मैं कह के तेरे चरना ते फुला बख्शावा मैं हाथ बन के अर्ज करा के बख्शो कसूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिवजी सदा Guruji Sa
जय गुरु जी की। Shiva.